ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और साथ में यस क्यू। यस क्यू मीन्स स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा, तो फटाफट जवाब देते हैं नील आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके शरीर में आपका हार्ट कहाँ है, तो फटाफट जवाब देते हैं। आपके प्रदेश के पड़ोसी दो प्रदेशों के नाम बताओ, फटाफट। आज के बच्चों को जनरल नॉलेज, किताबी नॉलेज सब कुछ है, लेकिन फिर और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी कौन हैं, तो सब बच्चे कहते हैं हम इंसान हैं। वास्तव में इंसान ही हमारा असली परिचय नहीं है। अगर कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि ड्राइवर महत्व का है। इसी तरह शरीर भी हमारी एक गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर सब कुछ है। अगर समझो हार्ट है, आंखें हैं, मुख है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा ही नहीं है, गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। इसलिए शरीर में सबसे महत्व की चीज आत्मा। मुर्दा बोलता है नहीं बोलता, देखता है नहीं देखता, क्यों? ड्राइवर नहीं, आत्मा नहीं है। इसलिए इस शरीर में सबसे महत्व की चीज आत्मा। आत्मा बोलती है, देखती है, सुनती है। इसलिए वास्तव में हम सभी आत्माएं, सभी आत्माएं भाई भाई। आत्मा का घर चांद सूरज तारांगन के पार, परम धाम शांति धाम। आत्मा का पिता परमात्मा, आपस में सबका संबंध भाई भाई। इसलिए मंदिर में जब जाते हैं तिलक लेके यहां लगाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई लेकर के गाल में लगाते हैं, कोई पीछे लगाते हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा निवास करती है। तो हम सभी आत्मा हैं, हमारा सबका घर एक है, सबका पिता एक है, आपस में भाई भाई है। इसको कहते हैं यस क्यू। और जब तक यस क्यू आध्यात्मिकता नहीं आएगी, तब तक वैल्यू नहीं आ सकते। चाहे कोई डिग्री लें, चाहे कोई पीएचडी करें, कितना भी पढ़ें, जब तक आध्यात्मिकता नहीं, तब तक वैल्यूज नहीं आ सकते। इसलिए आध्यात्मिकता से वैल्यू आएंगे। तो इसलिए आई क्यू के साथ ई क्यू इमोशनल, एम क्यू मॉरल, यस क्यू स्पिरिचुअल। इन तीन पाव को भी मजबूत करने की जरूरत है। और जिन्होंने, जिन बच्चों ने विद्यार्थी जीवन में आई क्यू ई क्यू एम क्यू और यस क्यू इन चार पाव को मजबूत किया, ऐसे बच्चे समाज में जाकर के कभी भी फेल नहीं होंगे।